हेलो स्टूडेंट, अब इस लेक्चर के माध्यम से हम डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और डीएमए क्या करता है कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक चिप यूज़ की जाती है जिसको डीएमए कंट्रोलर कहते हैं। क्या आप विदाउट सीपीयू से के पार्टिसिपेशन के बहुत सारा डेटा डीएमए कंट्रोलर की हेल्प से डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि डीएमए कंट्रोलर द डिवाइस रिक्वेस्ट द सीपीयू टू होल्ड इट्स डेटा एट दस कंट्रोल बस, सो द डिवाइस इज़ फ्री टू ट्रांसफर ए डेटा डायरेक्टली टू फ्रॉम द मेमोरी, यानी कि हम मेमोरी टू मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या डेटा को किसी डिवाइस में भी ट्रांसफ़र किया जा सके डीएमए कंट्रोलर की हेल्प से। और सीपीयू का इसमें पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं होता जब डीएमए के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। डीएमए डेटा ट्रांसफ़र इज़ इनिशिएटेड, जब ही इनिशिएट होता है जब वो HLDA सिग्नल को रिसीव करता है फ्रॉम द सीपीयू। सीपीयू जब HLDA सिग्नल को रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा कि होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। तो इसमें नॉर्मली सबसे पहले क्या होता है कि होल्ड सिग्नल होता है, होल्ड सिग्नल के द्वारा कोई भी डिवाइस रिक्वेस्ट करती है बस कंट्रोलिंग के लिए, और सीपीयू क्या करेगा HLDA सिग्नल के थ्रू उसको बस ग्रांट करेगा, एक्नॉलेज करेगा, और उसके बाद जितनी भी बसेस कंट्रोल होते हैं वो उसको ग्रांट कर दिए जाते हैं कि आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर हाउ डीएमए ऑपरेशन आर परफॉर्म, कि इनिशियली सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी डिवाइस अगर सेंड करना चाहती है डेटा डिवाइस एंड मेमोरी के बीच में तो वो सेंड करती है DRQ। DMA DRQ रिक्वेस्ट के थ्रू DMA कंट्रोलर से एक सिग्नल पास करती है CPU के लिए, फिर DMA कंट्रोलर सेंड करता है होल्ड रिक्वेस्ट टू द CPU, होल्ड रिक्वेस्ट CPU को भेजती है और वेट करती है कि जब तक CPU उसको HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल ना दे दे। यानी कि हमने कोई DMA कंट्रोलर से चिप लगाई, डिवाइस लगाई, सपोज करो पेन ड्राइव लगाई, और उस पेन ड्राइव के थ्रू सबसे पहले रिक्वेस्ट दी आएगी DMA कंट्रोलर के पास DRQ नाम की। जब DMA कंट्रोलर के पास DRQ रिक्वेस्ट आ जाएगी तो वो होल्ड सिग्नल की रिक्वेस्ट भेजेगा CPU के लिए और CPU का वेट करेगा जब तक कि उसे होल्ड एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल ना मिल जाए। देन माइक्रो प्रोसेसर ट्राई स्टेट ऑल द डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो ये तीनों बस जो होती हैं माइक्रो प्रोसेसर किसको असाइन कर देगा, DMA कंट्रोलर को असाइन कर देगा बाय यूजिंग HLDA सिग्नल। द CPU इज़ इन होल्ड स्टेट, होल्ड स्टेट में चला जाएगा। DMA कंट्रोलर हैज़ टू मैनेज ऑपरेशन ओवर बसेस, जो भी बसेस हैं उनके ऊपर DMA कंट्रोलर का अधिकार हो जाएगा और वो CPU और मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस पर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। उसके बाद अगर ये इंट्रोडक्शन देखें 8237 का, तो ये DMA की एक चिप है और इसमें मेथड में डेटा को मूव किया जाता है वन लोकेशन से अदर लोकेशन पर कंप्यूटर की विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फास्ट वे है डेटा ट्रांसफ़र करने का। DMA इनपुट आउटपुट टेक्निक डायरेक्टली एक्सेस करती है मेमोरी को जबकि माइक्रो प्रोसेसर इज़ डिसेबल। उस टाइम माइक्रोप्रोसेसर क्या रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। DMA कंट्रोलर टेम्परेरी एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस को माइक्रोप्रोसेसर से बोरो करती है और अपना डेटा डायरेक्टली एक्सटर्नल डिवाइस में या से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करती है। बेसिक ऑपरेशन क्या है कि दो कंट्रोल सिग्नल यूज़ होते हैं इस काम के लिए DMA में, जो हम पहले भी अभी बता चुके हैं। एक होल्ड सिग्नल एज ए इनपुट जो कि रिक्वेस्ट करता है DMA एक्शन के लिए, और दूसरा सिग्नल है HLDA सिग्नल जो DMA के एक्शन के रिस्पेक्टिवली एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। बैन द जब प्रोसेसर रिकग्नाइज करता है होल्ड सिग्नल को तो प्रोसेसर क्या करता है, CPU स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन अपना और होल्ड कर देता है साइकिल को। होल्ड इनपुट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी देन INTR और NMI, तो उस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी को सर्व किया जाता है
और रीसेट पिन को रीसेट किया जाता है। एच एल डी ए बिकम एक्टिव टू इंडिकेट द प्रोसेसर हैज प्लेड इट्स बस एट अ हाई इम्पीडेंस स्टेज। प्रोसेसर इम्पीडेंस स्टेज में चला जाता है उन बसेस के रिस्पेक्टिवली, और कंट्रोल किसको दे दिया जाता है, डीएमए को दे दिया जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र यूजिंग डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर में दो टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं, एक बस ट्रांसफ़र होता है, एक साइकिल स्टीयरिंग। बस ट्रांसफ़र में हम बहुत सारा डेटा एक साथ ट्रांसफ़र करते हैं कि डीएमए के पास कंट्रोल चला जाता है, और कंट्रोल जाने के बाद में बसेस का वो अपना डेटा एक के बाद बल्क में भेजती रहती है। और जब तक सारा डेटा मूव ना हो जाए, डेटा ट्रांसफ़र ना हो जाए, तब तक वो बस को रिलीज़ नहीं करती। और उस ड्यूरेशन में जो कंट्रोल होता है बसेस का, वो डीएमए के पास रहता है, और बसेस का यूज़ सीपीयू नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बस ग्रांट ए रिक्वेस्ट टाइम, ट्रांसफ़र द इंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा एट ए ट्रांसफ़र रेट ऑफ द डिवाइस, बिकॉज द डिवाइस इज यूजली स्लो देन द स्पीड एट विच द डेटा कैन बी ट्रांसफर टू द सीपीयू। दूसरा होता है साइकिल स्टीयरिंग। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है इन विच द डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफ़र वन वर्ड एट ए टाइम एक बार ट्रांसफ़र करता है, आफ्टर विच इट मस्ट रिटर्न टू कंट्रोल ऑफ द बस टू द सीपीयू। यानी कि सीपीयू अपना नॉर्मल वर्क कर रहा है, और बीच बीच में डीएमए कंट्रोलर कुछ टाइम के लिए बसेस का कंट्रोल अपने पास लेता है, और एक या दो बार ट्रांसफ़र करता है, फिर वापस बसेस को सीपीयू को दे देता है। इसमें एक साथ डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, बहुत थोड़े थोड़े टाइम में हम अपना डेटा बीच बीच में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सीपीयू डिले इट्स ऑपरेशन में डिले हो जाता है। ओनली वन मेमोरी साइकिल टू अलाउ द डायरेक्ट मेमोरी इनपुट ट्रांसफ़र, कि एक मेमोरी साइकिल दिया जाता है डीएमए को अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी वजह से इसको हम स्टील वन मेमोरी साइकिल कहते हैं, साइकिल स्टीलिंग इसको कहा जाता है। डीएमए को जो रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिकली, वो इस ढंग से है कि प्रोसेसर से डीएमए कंट्रोलर HLDA और होल्ड सिग्नल के थ्रू कनेक्ट रहता है, और इस डीएमए कंट्रोलर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो DRQ और DAC दो पिन से कनेक्ट रहती हैं, और इनपुट आउटपुट रीड और राइट सिग्नल। तो DRQ रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, ये एक्नॉलेज